जो भी लैंड या बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं वो पब्लिक एरिया से दूर हो। तो ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें उस अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है व्हेन एवर यू आर गोइंग टू बिकम एन एंटरप्राइज। तो क्या आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ध्यान में रखना है। ये आपका हो गया फर्स्ट टॉपिक। मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं? 5। फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल बेसिक जो हम 11th और 12th में करने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाएगी। मैनेजमेंट अकाउंट जो आपको एमकॉम में पढ़ाया जाता है। और टैक्स अकाउंटिंग भी हमारी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में आती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये हमारी एमकॉम में आती है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट है हमारा बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग में हमें डिफरेंस बताना है। अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली हमारे इस प्रोसेस को कंप्लीट करती है जो हमने ऑलरेडी किया था। IMRCSAC क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स, देन मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज एंड कम्युनिकेट टू यूज़र्स। लेकिन बुक कीपिंग जो होती है वो हमारी सिर्फ उसमें सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं। IMRC उसमें SAC नहीं किया जाता है। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको। अगर क्लर्क जो है वो बुक कीपिंग करता है और CA जो है वो अकाउंटिंग करता है, तो इन दोनों में डिफरेंस अगर हम स्टार्ट करें तो वेरी फर्स्ट हो जाएगा हमारा कि बुक कीपिंग जो है वो जूनियर स्टाफ करता है और अकाउंटिंग जो है वो सीनियर स्टाफ करता है। पहला तो हमारा यही डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस हमारा क्या है? ये प्राइमरी स्टेज पर होता है। प्राइमरी यानी वेरी इनिशियल जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं इन्हीं बुक्स कीपिंग में। जैसे हमने पढ़ा था जर्नल हमारे बनाए जाते हैं सबसे पहले, देन लेजर बनाए जाएंगे, उसके बाद जो हमारे ये जो सारी ये ट्रांजैक्शंस करने के बाद इन 3 ट्रांजैक्शंस को हमारी अकाउंटिंग में किया जाएगा यानी सेकेंडरी में। इट मींस व्हेन प्राइमरी स्टेज एंड्स देन सेकेंडरी स्टेज सॉरी बुक कीपिंग एंड्स देन अकाउंटिंग स्टार्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है रूटीन। जो बुक कीपिंग जो है डेली क्लर्क आएगा और डे टू डे की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हमारी जर्नल में और लेजर्स में वो लिख कर जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग जो है वो हमारी एनालिटिकल और डायनामिक होती है। एनालिटिकल और डायनामिक। डायनामिक का मतलब जो टाइमली CA आते हैं, मंथ में एक बार आ गए या 6 मंथ्स में एक बार आ गए, तो ये जो सारा हमारी डे टू डे का रूटीन बना होता है उसको समराइज़ करके एनालाइज करके जाते हैं। ठीक है, समराइज उसकी समरी बना जाते हैं और उसका एनालाइज करके जाते हैं। उसके बाद है